हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही छोटी सी है और ये है हरियाली तीज का व्लॉग, जो कि था 31 जुलाई, यानी कि कल, और आज मैं इसको पोस्ट कर रही हूँ। तो ये छोटी सी झलक है कि मैंने कैसे हरियाली तीज सेलिब्रेट की, ये मैं थोड़ी सी ग्लिम्स दिखा रही हूँ। मैंने ये साड़ी पहनी थी और उसके बाद थोड़ा सा मैंने उसका क्लिप बनाया ऐसे ही आप लोगों के लिए। और फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरा एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन था व्रत के वजह से। थोड़ा वर्कलोड भी ज़्यादा रहता है, घर में अकेली हूँ मैं एज ए लेडी, तो वर्कलोड ज़्यादा रहता है, तो काफ़ी मैं थकी थकी सी थी, इसलिए थोड़ा सा ही शूट किया है, जो भी है आपके सामने है। तो बस देखिए, मैंने अपने लिए व्रत में साबूदाने का पोहा बनाया था, तो वैसे तो सबको आता ही होगा, फिर भी मैं एक बार रेसिपी आपसे शेयर कर देती हूँ। तो मैंने इसमें लिया है घी, घी गरम हो गया तो मैंने इसमें आलू छोंक दिए छोटे छोटे कटे हुए, वो मैंने लाल करके फ्राई किया, फिर मैंने इसमें मूंगफली डाल के थोड़ा सा फ्राई किया और ये भिगाया हुआ साबूदाना फ्राई किया। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसमें सेंधा नमक, टमाटर और हरी मिर्च डाल दी है और मैंने इसको थोड़ा सा और फ्राई किया है। अब मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक के पका लूँगी, जिससे कि मेरा आलू गल जाए और साबूदाना भी अच्छे से पक जाए, उसके बाद मैं इसको सर्व करूँगी। सो फ्रेंड्स, देखिए मेरा साबूदाना पोहा बनके तैयार है और इसको मैंने दही के साथ खाया था। और बस ऐसे ही पूरे दिन व्रत रही मैं, यही सब खाया, घर के कुछ काम किए, ऐसे ही रहा मेरा हरियाली तीज। और ये देखिए, मैंने सिंगार का सामान निकाल के रखा था ये सब दान करने के लिए, तो मेरी बेटी उसको लेके नौटंकी कर रही है। ये देखिए, इसको तो बस मौका चाहिए नौटंकी करने का। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।